भाइयों बहनों नमस्कार। ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए नीचे दिख रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर आपको सबसे पहले क्लिक करना है, फिर साइड में एक नोटिफिकेशन बेल यानी घंटी बन के आएगी, उस पर जब आप दबाएंगे तो 3 घंटी आपको दिखेंगी, जिनमें सबसे ऊपर आल वाली घंटी आप लोगों को दबा लेनी है। आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों, आज शाम की सच्ची खबरों में आप सभी का स्वागत है। देखते हैं आज क्या बड़ी खबरें निकल के आ रही है। आपकी स्क्रीन पर एक सरकारी आदेश दिख रहा है, जो कार्यालय जिलाधिकारी लखनऊ के कार्यालय से 11 अप्रैल को कल जारी हुआ है, और जो जिलाधिकारी हैं लखनऊ के उनका नाम है अभिषेक प्रकाश। उन्होंने यह आदेश कल निकाला और इस आदेश में उन्होंने क्या कहा है, आइए एक बार जानने का प्रयास करते हैं। लिखा है सचिव उत्तर प्रदेश शिक्षा परिषद प्रयागराज के पत्रांक जो 9/4/2022 को निकला था, यानी अभी 9 अप्रैल को इसी महीने में अभी 2-3 दिन पहले निकला था, उस आदेश को आप सबको दिखाया भी था, जिसमें कहा जा रहा था जो भी आपके शासकीय अशासकीय सभी जो विद्यालय है कक्षा 8 तक के 1 से 8 तक की, उसमें जिक्र था जिसमें 7:30 बजे से 12:30 बजे तक बच्चों के लिए विद्यालय में उनको उपस्थित होना था, बाकी जो विद्यालय के शिक्षक लोग हैं या विद्यालय खुलने का और बंद होने का जो समय था वो 7:30 से 1:30 बजे तक का था, लेकिन बच्चे पढ़ाई 12:30 बजे तक की थी, 1 घंटा एक्स्ट्रा विद्यालय में अध्यापक लोगों को रुकना था, ऐसा आदेश आया था, जिसमें जो है उन्होंने 16 मई जिक्र किया था ग्रीष्मावकाश का, जिसका उन्होंने बढ़ा करके 20 मई किया था, उसी वाले आदेश की ये बात कर रहे हैं। नीचे उन्होंने लिखा है, आइए उस पर हम लोग जो है गौर फरमाते हैं। लिखा है तत्क्रम में भीषण गर्मी और लू के दृष्टिगत जनपद के समस्त परिषदी अशासकीय सहायता प्राप्त और प्राइवेट विद्यालय और इनके साथ साथ प्री प्राइमरी वाले भी और कक्षा 8 तक के संचालित समस्त बोर्डों से मान्यता प्राप्त विद्यालय भी ग्रीष्मावकाश प्रारंभ होने तथा जो होने तक प्रातः 7:30 बजे से अपराह 1:30 बजे तक संचालित होंगे, और पठन पाठन के लिए सभी छात्र छात्राएं 7:30 बजे से 12:30 बजे तक विद्यालय में उपस्थित रहेंगे। इस तरह से आदेश इनका है और यही आदेश आपको पूरे उत्तर प्रदेश में ये जारी है, और शिक्षा विभाग से लेटर निकल चुका है, आप लोगों को वो दिखा भी चुके हैं, 9 अप्रैल वाला लेटर, बाकी ये लखनऊ से जो है यहां पर डीएम ने अपने यहां से जारी किया। वही बात करते हैं अगली जानकारी की, तो आप यहां पे देख सकते हो कि एक मैसेज आया है ऑर्डर बाई CDPO सोन वर्षा के जो है, तो बिहार की बहनों ध्यान देना, यहां कहा जा रहा है कि सभी सेविकाओं को सूचित किया जाता है कि दिनांक 12 तारीख आज PHC सोन वर्षा में 11 बजे पहुंच करके राष्ट्रीय क्रम मुक्ति दिवस का कार्यक्रम में उसके प्रशिक्षण में भाग लें और दवाइयों को उठाएं, ये सब करें। तो इसके बारे में यहां पर जो है एक लेटर आया है, अभी फिलहाल के लिए ये रहा लेटर समाहरणालय सहरसा से, और ये लेटर जारी है, जिला प्रोग्राम पदाधिकारी ने अपने वहां के CDPO को सहरसा में 8 तारीख को ये भेजा था, और इस आदेश में उन्होंने कहा, ये देखिएगा यही वाला है, राष्ट्रीय क्रम मुक्ति दिवस कार्यक्रम के लिए प्रखंड स्तरीय एक दिवसीय प्रशिक्षण के संबंध में, तो यहां पर अगर आप ध्यानपूर्वक देखें तो परियोजनाओं के नाम लिखे हैं और जो दिनांक लिखी हुई है वो 13 तारीख भी यहां पर लिखी हुई है, जैसे जो है कहरा ग्रामीण में 13 को, कहरा सदर में 13 को, नवहट्टा में 13 को, महिषी में 13 को, 70 कटैया में 13 को, सोन वर्षा में 12 को, यानी आज हो गया सौर बाजार में 12 को, और यहां पर पथरघट वगैरह में 12 को, और बनमा इटहरी वगैरह में 12 को, सलखुआ में 12 को, और सिमरी बख्तियारपुर में 12 को, और जो है इस तरह से यहां पर होना था। जिला स्तरीय जो ट्रेनर थे उनके नाम भी है, नंबर भी है, उनके अलावा ऊपर यहां पर लिखा गया है कि यहां पर 22 अप्रैल 2022 का मापअप दिवस 26 अप्रैल को राष्ट्रीय क्रम मुक्ति दिवस कार्यक्रम के तहत कृमिनाशक एल्बेंडाजोल प्रति 400 mg की मात्रा 1 वर्ष में 19 वर्ष की आयु वर्ग के तक के जो बच्चे हैं उनको दवाई खिलाई जाएगी, इस तरह से उन्होंने लिख करके भेजा है। तो सुपरवाइजर और सेविका इनको एक दिवसीय प्रशिक्षण वहां पर कराया जा रहा है सोन वर्षा में। वही बात करते हैं इस वाले जानकारी को, हमारे पास भेजा था एक किसी भाई बहन ने और उन्होंने अपना नाम अभी नहीं बताया है। साथ ही साथ बात करते हैं अगली जानकारी की, फतेहपुर से आती है अंजू देवी बहन, उन्होंने अपने वहां से कहा है गुड मॉर्निंग भैया, और मैं आपकी न्यूज हमेशा सुनती हूं लेकिन थोड़ा लेट जो है सुन पाती हूं, इस तरह से तो कोई बात नहीं है, लेट सुनो लेकिन कम से कम सुनो जरूर, देर से ही सही पर जानकारी सभी होनी चाहिए जो जो यहां बताया जाता है। इधर जिला कार्यक्रम अधिकारी जो फतेहपुर के हैं DPO, उन्होंने 11 अप्रैल को एक लेटर कल जारी किया है।
इस लेटर में उन्होंने कहा है, डीपीओ ने अपने वहां के सीडीपीओ लोगों को कि यहां पर बोल रहे हैं 6/4/2022 का संदर्भ ग्रहण करें जो आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत प्रत्येक लाभार्थी के पास में गोल्डन कार्ड उपलब्ध होने की दशा में लाभार्थी को 5,00,000 तक का निःशुल्क उपचार उपलब्ध कराए जाने के संबंध में है। जनपद में अभी तक कुल 21.22% लाभार्थियों के ही गोल्डन कार्ड बन पाए हैं। योजना के अंतर्गत पात्र सभी लाभार्थियों को गोल्डन कार्ड बनवाए जाने के लिए प्रगति बढ़ाए जाने हेतु जनपद स्तरीय यहां पर जो आपका DIU टीम जो है उसके द्वारा स्वयं जनपद के समस्त ब्लॉक मुख्यालय पर जाकर के निम्नलिखित रोस्टर के अनुसार 2 दिवसीय कैंप भी लगाए जाएंगे और लाभार्थियों के कार्ड बनाए जाएंगे। इस संबंध में आपको बताना चाहेंगे ये भिटौरा पड़ता है ब्लॉक, वहां पर 20 तारीख से 21 तारीख के बीच में होगा और जो है रियाया वगैरह में 25 से 26 के बीच में, अमौली में 27-28 में, विजयपुर में 29-30 में, घाता में 5 मई और 6 मई को, हथगाम लिखा हुआ है 9 मई से 10 मई, और हसवा वगैरह में 12 और 13 मई, मलवा वगैरह में 16 और 17 मई, खजुआ में 18 और 19 मई, असोथर वगैरह में 23 और 24 मई, और यहां पर तेलियानी में 26 और 27 मई, बहुआ में 30 और 31 मई, और देवमई में 2 और 3 जून को। इस तरह से यहां पर कार्यक्रम रखे गए हैं और उनके सामने वहां के जो है जिला कार्यक्रम समन्वयक जो बनाए गए हैं यानी DIU टीम का नाम और पदनाम, तो उस हिसाब से उनके भी नाम लिख दिए गए हैं। तो इस हिसाब से जो है यहां पर इनको बांट दिया गया है आपस में और इस तरह से आपका प्रशिक्षण वहां कराया जाएगा। तो गोल्डन कार्ड बनवाने के लिए आवश्यक दस्तावेज क्या होते हैं उसके बारे में आप सबको एक बार पता होना चाहिए, काम की जानकारी है। तो प्रधानमंत्री जो है यहां पर पत्र, मुख्यमंत्री पत्र, अंत्योदय राशन कार्ड या राशन कार्ड यदि लाभार्थी सूची में नाम है तब भी, साथ ही आधार कार्ड और मोबाइल नंबर, इतना जरूरी होता है। कहा जा रहा है, निर्देशित किया जाता है कि सुपरवाइजर के माध्यम से आंगनबाड़ी को उनके द्वारा जनमानस को गोल्डन कार्ड बनवाने के लिए प्रचार प्रसार करके प्रोत्साहित भी करें इस तरह से, और अधिक से अधिक पात्र लाभार्थियों को गोल्डन कार्ड बनवाए जा सके। राजीव सिंह है यहाँ के जो फतेहपुर के DPO और उनके द्वारा एक लेटर है, तो आंगनबाड़ी बहनों आप सबको इसके बारे में जानकारी फतेहपुर की एक मिली है। इस जानकारी को हमारे पास अंजू बहन ने भेजा था, धन्यवाद। और साथ ही साथ एक खबर आ रही है उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ से, यहां पर क्या कहा जा रहा है आइए इस पर हम सब एक बार चर्चा कर लेते हैं। अधर में लटक गई है आंगनबाड़ी केंद्रों को जो उनके भवनों को बनने की जो निर्माण कार्य एक योजना है उस पर जो है आगे कोई काम नहीं हो पा रहा है, उस पर जो है ये एक रोक टाइप की लगी है, यानी आधे अधूरे केंद्र बना दिए जाते हैं। और आप यहां पर दूर से ही देखें, पिक्चर क्वालिटी अच्छी नहीं है, फिर भी आप देख करके अंदाजा लगा लोगे ईंटें कैसी हैं। ये घटिया माल आपको दिखाई दे रहा होगा, जो पीला ईंटा बोली जाती है, जो सबसे बेकार होती है भट्टे की, वही ईंटा यहां पर ऐसे ही जो है अंधा भी देख करके बता देगा। अब समझ में ये नहीं आता जिन गांव क्षेत्रों में निर्माण होते हैं वहां के लोग चुपचाप क्यों बैठे रहते हैं, उनको बोलना चाहिए इसके खिलाफ, क्योंकि वहां पर आपके नहीं तो आपके गांव के कोई तो बच्चे पढ़ने जाएंगे, और मान लो नहीं भी जाएंगे, खुदा ना खास्ता कभी क्या होता है उधर से गुजरो ही पता चला ये खराब इमारत ढह गई, इस तरह से चीजें हैं। तो इनके बारे में, और रुपया जो ऊपर से अच्छा खासा आता ही है, तो निर्माण क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। यहां पर सरकार द्वारा विकास के नाम पर करोड़ों रुपया खर्च किए जाते हैं लेकिन तमाम योजनाओं को पूरा नहीं किया जाता है। उदाहरण के तौर पर आप सठियाओं विकास खंड के दर्जन भर गांव में बनने वाले आंगनबाड़ी केंद्र भवनों को लिया जा सकता है, कहीं दीवार खड़ी करने के बाद छत की ढलाई नहीं हो सकी तो कहीं नींव खोद करके ही छोड़ दी गई। आंगनबाड़ी केंद्र के भवन का निर्माण 16-17 में अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा शुरू किया गया था, 5 वर्ष बाद भी भवन का निर्माण पूर्ण नहीं हुआ। अब बताइए ये घोर लापरवाही का एक उदाहरण है कि नहीं है, क्योंकि 5-5 साल किसी भी चीज को थोड़ी यहां पेंडिंग में डाला जाएगा, पैसे के लिए और बनवाने के लिए, जमीन के चयन के लिए, हर तरह की मरम्मत के लिए हर साल लेटर आते हैं निदेशालय से, तो जिम्मेदार अधिकारी करते क्या, क्या केवल कागजी कार्रवाई पूरा कर देते हैं और उसके बाद मलाई खुद खा जाते हैं क्या, कुछ ना कुछ तो यहां पर घपला घोचा हो ही रहा है। ऐसे में लोगों को जागरूक होना चाहिए और इसके खिलाफ जो है सख्त से सख्त जो है कदम उठाने चाहिए। अल्पसंख्यक बाहुल्य गांव में आंगनबाड़ी केंद्रों के निर्माण की स्वीकृति दी गई थी और उसके लिए धन आवंटित किया गया था, लेकिन कहीं नींव भरकर छोड़ दिया गया तो कहीं भवन की छत ही नहीं बनी, कहीं बनी तो दरवाजे और यहां पर जंगले फर्श जो भी है वो सब लगे ही नहीं, शौचालय भी अन्य जो है आज भी उनके वहां के अधूरे पड़े हैं, कहीं फर्श नहीं पड़ी है, तो हर तरह से अधूरा ही उसको छोड़ दिया जाता है और जिम्मेदार अपना पैसा मोटी रकम ऐड करके चले जाते
जाते हैं, तब तक पता चला 5 सालों में जिसको काम सौंपा गया था वही काम से बाहर हो गया। अब सवाल जवाब किससे किया जाए। इतना ही नहीं, कुछ ग्राम पंचायतों में 2 आंगनबाड़ी केंद्र स्वीकृत हुए थे लेकिन वहां पर धन की उपलब्धता ना होने के कारण अधूरा निर्माण है। जिन ग्राम पंचायतों में भवन बनना था उसमें यहाँ पर बम्हौर, सठियाओं, चक सिकटी, सीही और यहाँ पर फकरुद्दीनपुर, लोहरा सहित दर्जन भर और भी ग्राम पंचायतें हैं, उन सब जगह बनना था। सिद्धिपुर राम प्रवेश प्रजापति ने बताया कि जिले और उच्चाधिकारियों को इसके बारे में सूचना कर दी गई है। 5-5 साल बाद सूचना की जा रही है तो यह इसको क्या बोलेंगे। इसके अलावा बात करते हैं पंजाब के बरनाल से भी एक खबर आ रही है। अगर इस खबर की हम बात करें तो आंगनबाड़ी कर्मचारी जो बहने हैं पंजाब के बरनाल की, उन्होंने धरना किसके लिए किया है, दिल्ली और हरियाणा की बहनों के लिए किया है। क्योंकि दिल्ली में जो अभी टर्मिनेशन लेटर आए थे, बहनों की सेवा समाप्तियां हुई हैं जिस तरह से, और हरियाणा में भी हुई हैं, उसी के विरोध में आंगनबाड़ी कर्मचारी यूनियन C2 की ब्लॉक बरनाल इकाई द्वारा ब्लॉक कोषाध्यक्ष उषा देवी की अगुवाई में दिल्ली और हरियाणा की वर्कर और हेल्पर बहनों की सेवाएं बहाल करने की मांग को लेकर के हरियाणा सरकार के नाम से CDPO के माध्यम से वहां पर बहनों ने पंजाब के बरनाल से अपनी आवाज को बुलंद किया है। आइए एक बार तस्वीरें आपको हम दिखाते हैं। तो इस तरह से आप देखिएगा, अपने राज्यों के लिए तो बहनें लड़ ही रही हैं, वही अपने आसपास के अन्य राज्यों में बहनों के साथ अगर गलत होता है तो उनके लिए भी लड़ रही हैं। ये एकता का एक जो है यहां पर आप उदाहरण देख सकते हो। वहीं बात करना चाहेंगे, वैसे एक सच्चाई ये भी है कि C2 वाले दिल्ली में भी तो हैं और दिल्ली में खुद धरने पर नहीं आया दिल्ली वाले यूनियन। क्यों? क्योंकि दिल्ली में जो धरना कर रहा है वो दिल्ली स्टेट आंगनबाड़ी वर्कर एंड हेल्पर यूनियन है, उनकी सेवा समाप्ति हुई, उन्हीं का संघर्ष चल रहा है। तो अब दिल्ली में जो C2 वाले लोग हैं, जो बहने हैं, उनको सड़कों पर आकर के बहनों का सपोर्ट करना चाहिए था लेकिन वो कहीं दिखाई नहीं दिए। अब यहां पर नाम और सिंपैथी अपने अपने राज्यों में यूनियन कमाने के लिए वो अपने वहां उनके समर्थन में आगे आ रहे हैं। तो ये एक दोहरा रवैया आप यहां पे देख रहे हो, ये कड़वा है। अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो समझेंगे। तो हम यही कहना चाहते हैं कि अपने अपने राज्यों में अगर धरने होते तो वहां पर भी तो साथ देना आपका जरूरी है। पता चला वहां आप जो है उनकी खिलाफत कर रहे हो। उदाहरण, आप दिल्ली स्टेट आंगनबाड़ी वर्कर यूनियन के तमाम वीडियो, तमाम उनके जो जो बातें हुई उन सब निकल के आई, उन सबको आप लोगों ने देखा है। तो सच्चाई किसी से छुपी नहीं है। बात करते हैं, यहां पर बताया जा रहा है यही सब चीजें निकल के आ रही है। तो अब इस उपरांत जो हरियाणा सरकार के खिलाफ बहनों ने यहां पर नारेबाजी की है। साथ ही बात करते हैं, इस तरह से दिल्ली से कुछ जानकारियां आ रही हैं, बताया क्या जा रहा है, उन्होंने दिल्ली और हरियाणा सरकार के अड़ियल रवैये जो है रवैये की यहां पर निंदा की है और कहा है कि दिल्ली सरकार द्वारा लगाए गए इस्मा जैसे कानून का इस्तेमाल करके हकों की लड़ाई पर रोक लगाना मुलाजिमों और मजदूर विरोधी रवैया है। आंगनबाड़ी वर्कर हेल्पर द्वारा सरकार द्वारा ऐलान भी मांगों को पूरा करने की वगैरह वो मांग जो कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि ये इस तरह से देखो इसमें आर्टिकल में लिखा भी काफी गलत है फिलहाल के लिए, तो ये इसके बारे में जानकारी सभी को है। बात करते हैं, कुसुमा बहन आती है लखीमपुर खीरी से और उन्होंने अपने वहां से की फोटो भेजी, और इनके अलावा ये आती है गायत्री बहन कुशीनगर से, इन्होंने भी फोटो भेजी है, और ये है सुधा सिद्धार्थनगर से, इनके द्वारा भी फोटो आई, और ये सुमित्रा सिद्धार्थनगर से, इनके द्वारा भी एक फोटो आई। तो आज शाम के वीडियो को हम ज्यादा लंबा नहीं खींचेंगे, यहीं तक रखेंगे। सुबह के वीडियो में आप सब भाई बहनों को हम फिर